तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल ड्राइव क्या है और कैसे आप गूगल ड्राइव में फ़ोटोज़, वीडियोस या फिर किसी भी फाइल को सेव करके रख सकते हो। तो गूगल ड्राइव पे फ़ोटोज़ और फाइल को स्टोर करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनकेस अगर आपका मोबाइल खो जाता है या फिर आप अपना मोबाइल चेंज करते हो तो आपके सारे फाइल्स और फ़ोटोज़ पुराने फ़ोन के साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने फ़ोटोज़ और फाइल को गूगल ड्राइव पे स्टोर करके रखते हो तो आप नए फ़ोन में भी अपना सेम गूगल अकाउंट साइन इन करके अपने फाइल्स को रिस्टोर कर पाओगे। तो इस वीडियो में गूगल ड्राइव की कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, गूगल ड्राइव गूगल का एक क्लाउड सर्विस है जहां पे आप अपने फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हो और गूगल ड्राइव पे स्टोर किए गए फाइल को आप कहीं पे भी किसी भी डिवाइस में अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करके देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो यहां पे आपको गूगल ड्राइव ऐप अपने मोबाइल में ढूंढ के ओपन कर लेना है। तो जब आप पहली बार गूगल ड्राइव को ओपन करोगे कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहां पे आपके गूगल ड्राइव का अकाउंट दिख जाता है, मीन्स गूगल अकाउंट। तो जब भी आप कोई गूगल अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हो उसके साथ आपको गूगल ड्राइव पे 15 GB का फ्री स्टोरेज मिलता है। तो अपना स्टोरेज चेक करने के लिए यहाँ पे आप 3 लाइन पे टैप करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा नया गूगल अकाउंट है। तो इसमें मुझे गूगल ड्राइव पे 15 GB का स्पेस मिल जाता है। 15 GB के अलावा अगर मुझे स्टोरेज चाहिए होगा तो मुझे बाय करना होगा, तो 15 GB भी सफिशियंट है। तो हर गूगल अकाउंट के साथ फ्री में 15 GB स्पेस मिलता है आपको। तो यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और उसमें अपने फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हो। तो कोई भी फोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको इस प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पे जैसे ही आप इस पे टैप करते हो यहाँ पे आपको फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर डायरेक्टली आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट स्कैन कर सकते हो। गूगल डॉक्स क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, गूगल शीट और गूगल स्लाइड क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपने फ़ोटोज़ को स्टोर करना है। तो यहाँ पे मान लो मैं 2021 के सारे फ़ोटोज़ को इसमें स्टोर करना चाहता हूँ, तो आप मंथ वाइज, ईयर वाइज यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो कुछ भी नाम दे करके, और उस फोल्डर में यहाँ पे आप चले जाओगे और यहाँ पे आपको फिर से प्लस पे टैप करना है और यहाँ पे आपको इस स्पेसिफिक फोल्डर में फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर कोई भी फाइल को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे सिंपली अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ़ोटोज़ मेरे गूगल ड्राइव पे अपलोड होने लगता है। तो इस तरह से आप गूगल ड्राइव पे कोई भी फोल्डर क्रिएट करके अपने फ़ोटोज़ को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 5 फ़ोटो इस फोल्डर में अपलोड कर दिया, फ़ोटोज़ 2021। यहाँ पे आप इस फोल्डर के बाहर आ सकते हो और मल्टीपल फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट करके उसमें एक एक करके अपलोड कर सकते हो, मंथ वाइज, ईयर वाइज, जो भी आप फाइल स्टोर करना चाहो। तो यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे भी अब आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको सारे अपलोडेड फाइल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी फाइल को स्टार करके रख सकते हो। अगर आप किसी फाइल को ऐड टू स्टार पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको एक अलग सेक्शन मिलता है स्टार्ड का, मीन्स आप गूगल ड्राइव पे हजारों फोटोज़ अपलोड कर सकते हो। तो आपका कोई फेवरेट या फिर इंपॉर्टेंट फ़ोटो या फिर फाइल है तो यहाँ पे आप उसे स्टार करके रख सकते हो। स्टार करने के लिए किसी भी फाइल के ऊपर आपको 3 डॉट पे टैप करना है और यहाँ पे आपको ऐड टू स्टार का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो फाइल आपके स्टार में ऐड हो जाता है। इसी तरह से अगर आपको कोई फाइल शेयर करता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी फाइल को शेयर करने के लिए यहाँ पे आपको 3 डॉट पे टैप करना है और यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी एंटर करके किसी को भी अपना फ़ोटो शेयर कर सकते हो, तो जो भी आपके साथ फ़ोटो शेयर करेगा यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको फाइल्स का ऑप्शन मिलता है, तो फाइल्स में यहाँ पे आपको फोल्डर की लिस्ट मिल जाते हैं जो आपने क्रिएट किए हैं। और यहाँ पे आपको दूसरा सेक्शन मिलता है कंप्यूटर का, तो यहाँ पे आप अपने गूगल ड्राइव को अपने कंप्यूटर में भी ऐड कर सकते हो और जो भी फाइल को आप अपने कंप्यूटर से गूगल ड्राइव पे अपलोड करोगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके ड्राइव से कभी भी कोई फ़ोटो डिलीट हो जाता है या फिर रिमूव हो जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये फ़ोटो रिमूव कर देता हूँ, तो ये परमानेंटली आपके ड्राइव से डिलीट नहीं होता, ये आपके बिन में स्टोर रहता है। इसके लिए यहाँ पे आपको होम सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको 3 लाइन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको बिन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे जो भी आपने फाइल बाय मिस्टेक रिमूव किए होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इस पे टैप करके उसे रिस्टोर कर सकते हो, उसके बाद वो वापस से आपके उस फोल्डर में दिखने लगेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप गूगल ड्राइव को यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी फ़ोटो, वीडियो या फिर किसी भी फाइल को स्टोर करके रख सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल इस चैनल से जुड़े हैं, अभी के लिए बाय बाय।